फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स. कुछ इंटीजर्स गिवन है हमें, जिनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं. और किस मेथड से करने हैं? बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं. तो सबसे पहले जो 12 है उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे. तो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3. इसी तरीके से 15 के हो जाएंगे 3 × 5. 21 के भी हो जाएंगे 3 × 7. तो ये सारी की सारी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. तो इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए जो यूनिक होते हैं. मैंने बताया था कि जितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसमें कुछ और नंबर कोई ऐड नहीं हो सकती. तो अब अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या बताता है? एलसीएम के लिए जो नंबर कॉमन होती है सिर्फ उसको एक बार लेते हैं. जैसे ये नंबर आगे 3, इसमें भी 3 और तीनों में 3 है. ये वाली नंबर जो है वो सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी, बाकी जितनी बची है वो सारी लिखी जाएंगी. 2 आ गया, ये 2 आ गया, 5, 7 और ये. लेकिन ये जो 3 है जो कॉमन आ रहा दिनों में, इनमें से केवल एक 3 आएगा. तो निकालते हैं 2 × 2, ये दोनों 2 आ गए और 3 केवल एक ही आएगा तीनों में से. इसके बाद 5 और लास्ट में 7. तो एलसीएम क्या होगा? 420. मल्टीप्लाई करके आ गया 420. इसके बाद निकालते हैं एचसीएफ. एचसीएफ क्या बताया था? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है? तो केवल 3 है जो तीनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है ही नहीं. तो एचसीएफ क्या होगा? 3. इसी तरीके से सेकंड पार्ट में देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमारे पास में जो नंबर्स है वो है 17. 17 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 1 × 17. 23 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 1 × 23. और 29 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 1 × 29. ऐसा क्यों? 17, 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर्स. और प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन थी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, द वन एंड द नंबर इटसेल्फ. वन एंड द नंबर इटसेल्फ. प्राइम फैक्टर में सिर्फ ये होता है, वन कॉमन फैक्टर होता है और नंबर खुद होती है बस. अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा? क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा. तो इन तीनों की ही मल्टीप्लाई इसमें हमें करनी पड़ेगी एलसीएम निकालने के लिए. तो एलसीएम निकाल लीजिए. एलसीएम निकाल के आपका ये आएगा 1723. मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. और 29 की मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये आ गया 11339. ये क्या होगा? एलसीएम. एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है? सिर्फ वन. वन एचसीएफ क्या होगा? वन. और नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले जो 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 × 2. 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 3. और 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 5. तो ये होगी प्राइम नंबर्स. एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन देखिए, सबसे पहले कॉमन क्या है? 5 किसी में भी नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है. तो कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे फिर? अब इसका जो एलसीएम आएगा, सभी नंबर्स को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5. तो जितने भी नंबर्स हैं ये सारी की सारी नंबर इंक्लूड होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर कुछ भी कॉमन होता तो उसको सिर्फ एक ही बार रखते नंबर को, लेकिन अब जो है सारी की सारी नंबर इंक्लूड हो जाएगी. तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10, 10, 100 और 100 की फिर 6 से करेंगे 600, 3 × 18
1800 आ गया, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या कुछ कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब कोई कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं तो एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये हो गया इनका एलसीएम और एचसीएफ, ये तीनों पार्ट थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए, जिसमें हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है इसमें एलसीएम और एचसीएफ, और कौन से मेथड से निकाला, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 9, ये जो दो नंबर गिवन है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, इन दोनों का जो एचसीएफ है कितना है, 9। फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और क्या गिवन है हमें, एचसीएफ। तो एक मैंने आपको जब मैं इंट्रोडक्शन बताया था तो सबसे लास्ट का पॉइंट था उसमें क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब यहां ए इंटू बी लिख लीजिए या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लीजिए। तो एलसीएम एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 9 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा और 9 4 जा, तो क्या बचता है इसमें, ये बचेगा 657 और 34 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एट थ्री थ्री टू और टू, तो ये आएगा 22,338, ये हो गया एलसीएम। तो इसी तरीके से करना है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों में जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये दोनों नंबर हमें गिवन है पहले से क्वेश्चन में और एचसीएफ गिवन है, तो एलसीएफ निकाल लेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चेक करना है वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 6n वो उसका जो 6n क्या है, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर गिवन है, इसमें नेचुरल नंबर आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम 1 1 2 3, जो हमारी काउंटिंग नंबर होती है वही नेचुरल नंबर होती है। 6 की पावर कुछ भी लगाते हैं, 6 की कोई भी पावर अगर हम लगाते हैं, 6 की पावर अगर हम 1 लगाएंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 लगाएंगे तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 लगाएंगे तो भी क्या आएगा, 216 आएगा। तो हमेशा उसका एंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद 6 नॉट 0, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये पूछा है कि क्या चेक वेदर, कि ये चेक करना है कि 6 की पावर जो n है कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या उसका एंड कभी भी 0 से हो सकता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। मैंने अभी नेचुरल नंबर मैंने लेट कर लिया, 6 की पावर मैंने 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, लेकिन सबको अगर मैं करके देखता हूं तो सबका एंड किससे हो रहा है, सभी का एंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है। अगर मैं आगे भी इसको प्रोसीड करता हूं तो आगे भी हमेशा हर नंबर में 6 ही आएगा, लेकिन हमें इसको उसको बताना किस तरीके से है, इफ द नंबर 6 की पावर एन फॉर एनी एन, एनी एन का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, 6 की पावर जैसे मैंने अभी बताया 6 की पावर एन कोई भी नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0, यदि उसका एंड 0 से होता है देन इट इज डिविजिबल बाय 5, तो वो नंबर क्या, ये जो 6 है हमारा ये 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल ये नंबर होनी चाहिए, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो 6 की पावर n जो है इसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, अब 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं, अगर हम 6 से फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 3, तो इनमें कोई भी नंबर जो है 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये 6 की पावर n विद द डिजिट 0 है ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि 6 की पावर n कंटेन्स द प्राइम 5 होना जरूरी होता है इसके प्राइम फैक्टर्स में, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये क्या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, एज द ओनली प्राइम इन द
फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, क्योंकि मैंने 6n के भी फैक्टर करे हैं, तो क्या है 2 × 3 आया है, 5 नहीं आया है, उसमें सिर्फ क्या आ रहा है 2 आ रहा है एंड 3, 2 और 3 यही प्राइम फैक्टर्स क्या है। एट द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज, लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की वो क्या गारंटी करता है, दैट देयर इज नो अदर प्राइम प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, तो यानी 2 के अलावा 2 और 3 के अलावा इसके कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। Therefore, 6n can never ends with the digit 0. तो 6n का कभी भी एंड जो है वो 0 से नहीं होगा, सिर्फ ये मैं प्रूव करना था इसमें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। क्या बताना है इसमें कि ये जो नंबर है और जो ये नंबर दे रखी इसमें दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स है, ये भी क्या करना है एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको लेते हैं 7 × 11 × 13 और + 13। आप ये देख रहे होंगे इसमें कि यहां दो साइन मल्टीप्लाई के है और एक साइन प्लस का है, तो जहां मल्टीप्लाई के साइन है इसका मतलब ये पूरी जो है वो एक ही नंबर है और ये नंबर होगी अलग, क्योंकि इसके बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन आता है तो ये इसको क्या कर देता है, ये अलग कर देता है उसको, मल्टीप्लाई का साइन है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर आएगी। अब इसमें देखें अगर ये प्लस माइनस का साइन आता है यहाँ पे, तो इन दोनों में से एक नंबर आपको दिखाई देगी कि कॉमन है 13 दोनों तरफ, तो क्या करते हैं 13 कॉमन ले लेंगे इसमें, 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 7 × 11 × 1 और + 1, ये वाला 1 तो इसके लिए 13 के लिए हो गया, ये 1 हो गया इस वाले 13 के लिए क्योंकि प्लस में आ रहा है। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 11 × 7 = 77 और 1 × 77 ये आएगा, 77 में एक ही स्टेप पर बढ़ा देते हैं 77 + 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78। अब ये कंपोजिट क्यों है, क्योंकि प्राइम के लिए बताया था कि प्राइम के लिए केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो नंबर होती है खुद और एक 1 उसका केवल वही फैक्टर होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं क्या 1 के अलावा अदर फैक्टर्स भी इसके हैं 13 और 78। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें फैक्टर जो है 1 के अलावा नंबर के अलावा अलग ही फैक्टर है इसमें, जबकि प्राइम में सिर्फ ये होता है कि 1 और नंबर खुद होती है बस प्राइम के लिए, अदरवाइज कंपोजिट होगा। सेकंड है 7 × 6 × 5 × 4 = 3 + 2 + 1 + 5। अब यहां भी आप देख रहे होंगे यहां से लेकर के यहां तक का हर कोई जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है, बस केवल ये प्लस का साइन हो गया यहां पे, तो इन दोनों में से भी एक नंबर कॉमन है क्या 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। 5 कॉमन कहां है, देखो ये रहा 5 इसमें, ये रहा 5 और इसमें ये 5 है, तो दोनों में से क्या क्या हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये वाला 5 नहीं आएगा, फिर यहां क्या आएगा सिर्फ 4 आएगा। तो 5 कॉमन लेने के बाद अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 24 और 42, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 96, तो ये आ गया, यहां भी आपका 1 बचेगा क्योंकि 5 कॉमन ले लिया इसने, तो इन सबके मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये आ रहा 1008 और + 1 और फाइनली आएगा 1, इसमें ऐड हो जाएगा ये 1009। तो अब यहां पे देख रहे हैं यहां पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 5 का मल्टीपल है 5 × 1009, तो यहां ये भी क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है और जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, फिर एक कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर।
ये होगी कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें है हमारा क्या है, क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कोई खेल का मैदान है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, अगर एक राउंड लगाती है सोनिया तो उसमें इसको कितना टाइम लगता है 18 मिनट्स, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, जबकि रवि कितना टाइम लेता है उसमें 12 मिनट्स लेता है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं कि वो दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने टाइम के बाद हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल अगेन एट द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट से वो चलना शुरू करते हैं अगेन उसी पॉइंट पर वो कितना टाइम बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे। तो टू फाइंड द टाइम वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 12। तो हमें क्या करना होगा दोनों के लिए, अगर हमें वही टाइम निकालना है सेम पॉइंट पे कितना टाइम उनको लगेगा, यानी कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम 18 और 12 का। तो जैसे एक टीम के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 2 × 3 × 3, और 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 3। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम इधर लिख लेते हैं यहां पे, एलसीएम इक्वल्स टू क्या क्या चीजें बताई थी मैंने एलसीएम के लिए, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और बाकी सबको लिखना था, इन दोनों जैसे ये 2 कॉमन हो गया, दोनों में 3 कॉमन हो गया, तो इसमें केवल एक 2 आएगा और इनमें से भी एक ही 3 आएगा, और जो बचे हुए होते हैं वो सारे के सारे आते हैं फिर। तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36, तो एलसीएम क्या आ गया 36। देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, तो दोनों एट द सेम पॉइंट, यानी उसी पॉइंट पर वो कितने टाइम बाद मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ा हमको, एलसीएम फाइंड करना पड़ा, किसका 18 और 12 का, क्यों, क्योंकि रवि कितने मिनट देता था 12 मिनट्स और सोनिया कितना टाइम लगता था 18 मिनट्स, तो दोनों का अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन अगर वो सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, दोनों शुरू करते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो दोनों का एक जगह मिलना, एक ही पॉइंट पर मिलना वो कितने टाइम बाद होगा, वो 36 मिनट्स के बाद होगा, इसलिए हमने उसका एलसीएम फाइंड किया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 ये पूरी हो जाती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे।